नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का जो है नोटिफिकेशन की। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फोटो कौन सी लगानी है, पूरा फॉर्म आपको भर के स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका सिलेबस भी उपलब्ध है जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो आवेदन है 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेंगे। मैं आपको डिटेल्स शॉर्टकट में दिखा देता हूँ जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सरकारीrizult.com का। आपको बता दो इसका जो लिंक है वो भी आपको सरकारीrizult.com और रोजगारrizult.com पर मिल जाएगा। आपको बता दें इसके आवेदन 27 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेंगे रात के 11 बजे तक। परीक्षा इसकी जनवरी 2023 में प्रस्तावित है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए, एससी एसटी और महिलाओं की कोई भी शुल्क नहीं है। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट होगी। उम्र जो है 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 24,369 जो है पोस्ट है। इसमें आपको बता दें बीएसएफ में सबसे ज्यादा 10,497 है। इसके बाद सीआरपीएफ में 8,911। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है आपको मिल जाएगा कि आपको किस कैटेगरी में कितनी जो है पोस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कोड दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइटर की मदद से दिखा देता हूँ ये कोड दिया हुआ। आपको इस कोड को जो है नोट डाउन कर लेना है कि आपको किस क्रम में कैसे जो आवेदन करते वक्त डालना है। जब मैं आवेदन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन आपको ये क्रम जो है नोट कर लेना है। मान लीजिए आपको पहले बीएसएफ को रखना है तो आपको ए रखना है, उसके बाद आप सीआरपीएफ रखना चाहते हैं तो सी डाल दीजिए, उसके बाद जिसको भी आप रखना चाहते हैं उस क्रम में आपको कोड डालना है। योग्यता इसमें सिर्फ जो हाई स्कूल यानी क्लास 10 पास मांगा है। तो चलिए दोस्तों आवेदन करते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो बता दें अगर आपने इससे पहले एसएससी का कोई फॉर्म भरा है तो आपको सीधे लॉगिन करना है और आगे बढ़ जाना। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और अपना डिटेल डालना है। अगर आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा। बहरहाल दोस्तों, हम पहले से रजिस्टर्ड है तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है लॉगिन करते हैं। इनकेस अगर आप पहले से रजिस्टर्ड और लॉगिन नहीं हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हो। तो चलिए लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे अपना जो है पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालता हूँ। जैसे हम लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म जो है एसएससी कांस्टेबल जीडी का यहाँ पे शो कर रहा है। आपको बता दें इसमें कुछ नीचे जो है ऑप्शन दिए हुए, पहले उसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ, फिर हम सीधा आवेदन करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर आप अपने पुराने रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स का तो आपको पहले मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपको मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद आपको करेक्शन करना पड़ेगा जिसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे बटन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करके आवेदन करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूं, जो लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनको पेमेंट भी करना रहता है। उनको अप्लाई करने के बाद यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसका पेमेंट अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं और सभी कैंडिडेट यानी कि एससी एसटी महिला और सभी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते वक्त अकाउंट से आपके पैसा कट जाता है लेकिन आपके पेमेंट स्टेटस में शो नहीं करता है, तो आपको डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे जाना है और अपना जो पेमेंट है उसको वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। आपको मैंने जैसा बताया, अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कुछ भी बदलाव करना है तो यहाँ मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे जाके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा नीचे आना है। यहाँ पे पूछा है कि आप एक सर्विसमैन तो नहीं है, तो हमने यहाँ पे नो कर दिया है। पूछा है कि आपको उम्र यानी एज में कोई रिलैक्सेशन तो नहीं चाहिए, कि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट तो नहीं, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है, नो कर देना है। तो यहाँ पर आपको जिस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रीजन के आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करना है। तो मैं जो है सेंटर रीजन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने पहला सेंटर आगरा ले लिया है, दूसरा प्रयागराज ले लिया, तीसरा मैंने गोरखपुर ले लिया। यहाँ पे पूछा आपका डोमिसाइल कहाँ का, तो मेरा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया है। जैसे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पूछेगा आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर दिया है कि आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे पूछा है कि आप माइग्रेटेड स्टेट है वगैरह तो नहीं है, यहाँ पे सारे ऑप्शन ये सब लॉक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे जो है सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं लॉक है। यहाँ पे आ जाता है पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस आपको डालना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वीडियो में स्टार्टिंग में, यहाँ पे आप पोस्ट डिटेल्स भी क्लिक करके भी जो है देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से यहाँ पे जो है दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कोड जो है यहाँ पे दिए हुए, बाकी कोड आपको सरकारीrizult.com पर भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उस कोड को आपको डाल देना है। मान लीजिए जैसे मैंने जो है आपको बताया था कि मैं पहले जो है बीएसएफ ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सीआरपीएफ ले लेता हूँ, तो आपको जिस क्रम में चाहिए वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने एससी लिख दिया है।
तो जैसे यहाँ पे डालेंगे उसका सेम वही क्रम आपको जो है यहाँ पे दोबारा डाल देना है। यहाँ पे दोबारा जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो है दोबारा पूछता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया। थोड़ा सा और नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको पूछा आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है बीकॉम है, तो मैंने यहाँ पे बीकॉम डाल दिया है। आपकी क्वालिफिकेशन कुछ और हो तो आप जो है यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे जो योग्यता मांगी इस पोस्ट के लिए क्लास 10 मांगी है, तो यहाँ पे क्लास 10 पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको जो है पूछा कि आप जो क्लास 10 पास आउट है कि अपीयरिंग है, हमने यहाँ पास आउट कर दिया है। रोल नंबर वगैरह आपका पहले से आ जाएगा क्योंकि हमारा फॉर्म पहले से परसेंटेज था भरा हुआ था आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा है कि आपकी डिटेल जो है डीओपी के साथ शेयर की जा सकती है, बिल्कुल यहाँ पे हम यस कर देते हैं। अगर आपको नो करना है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, फिर आपको जो प्रोफाइल में एड्रेस है वो एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको फोटो और सिग्नेचर लगाने हैं। बता दें जो फोटो लगेगी वो 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए और जो सिग्नेचर लगाना है वो आपको 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि फोटो आपको कौन सी लगानी है। फोटो आपको ऐसी लगानी है जो आपकी 27 जुलाई 2022 के बाद की खींची हो। फोटो जो है आप बता दें बिल्कुल कैसी लगनी चाहिए, मैं आपको उसका नोटिफिकेशन में दिखा सकता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन का पेज नंबर 40 खोलेंगे, मैं आपको पेज नंबर सीधा 40 पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो आपको कैसी लगानी है। फोटो पे जो है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, दोनों कान आपके स्पष्ट जो है दिखाई देने चाहिए, फोटो आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। कोई भी अगर आप फोटो लगाएंगे, जैसे एक्स्ट्रा कलर लगाएंगे, ज्यादा जूम वाली फोटो लगाएंगे, फोटो पे कैप होगा, या अगर आप देखेंगे फोटो धुंधली है या फोटो उल्टी है, फोटो टेढ़ी पोज है यानी कि साइड पोज है, फोटो स्मॉल साइज है, बैकग्राउंड डल है या बैकग्राउंड डार्क है, या बैकग्राउंड कोई आप सनग्लासेस वगैरह लगाए हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको फोटो बिल्कुल ही सिंपल लगानी है, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए, फोटो का साइज भी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, फोटो का साइज आपका 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो बता दें दोस्तों अगर आपका फोटो का साइज 20 से 50 केबी के बीच नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलनी है जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट टूल्स। गूगल पे आप डालेंगे सरकारी रिजल्ट टूल्स तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। बहुत ही काम की वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से अगर आपको अपनी फोटो पे जो है नाम और डेट लिखना है तो भी आप जो है लिख सकते हैं। ऑनलाइन फोटो पे नाम चाहे डेट दोनों चाहे दोनों लिख सकते हैं, एक चाहे एक लिख सकते हैं। अगर आपकी फोटो का साइज ज्यादा या कम है तो यहाँ से ईमेल रिसाइजर की मदद से फोटो को जो है कम और ज्यादा जो है रिसाइज कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन फ्री टूल्स है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको टूल्स पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं अपने फॉर्म पर। यहाँ पे दोस्तों हम अपनी फोटो और सिग्नेचर लगाते हैं और यहाँ पे नीचे जो है इसको सबमिट करते हैं। फोटो सिग्नेचर लगाने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज डाल देना है और प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा। आपको अच्छे तरीके से प्रीव्यू को चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपका फॉर्म पूरा सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ भी करेक्शन है तो आप वीडियो को मॉडिफाइड कर सकते हैं, मेरा सब कुछ सही है, मैं सबमिट करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म आपका जो है कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप एससी एसटी या महिला अभ्यर्थी है तो सीधे आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है, लेकिन अगर आप जो है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ही आपको यहाँ पे प्रिंट निकालना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आप इसका पेमेंट किन माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछेगा आप पेमेंट इसका ऑनलाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन करना चाहते हैं। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो यहाँ पे चलान निकलेगा, लेकिन आप ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आप अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन कर दिया है, सबमिट करके आगे बढ़ता हूँ। देख सकते हैं इसका पेमेंट आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अपने कार्ड से कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको क्यूआर कोड मिलेगा। किसी भी पेमेंट का जो ऐप होता है उसके माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाकर इसका अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लिंक आपको सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।